हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सेक रहे हैं मूंगफली, क्योंकि वंदना का बहुत ही मन हो रहा था मूंगफली खाने का। मूंगफली तो थी घर पे लेकिन सेकी भी नहीं थी, तो आज हमने सोचा कि मूंगफली सेक ही लेते हैं। वैसे आज वंदना घर पर ही है, कच्ची नहीं खानी है, कच्ची मूंगफली अच्छी नहीं होती है, मूंगफली सेक कर ही खानी चाहिए। दोस्तों ये हमारे बाहर चूल्हा है, उसके ऊपर मैं मूंगफली सेक रही हूँ और नमक के अंदर, इस कढ़ाई में मैंने नमक डाला है और नमक के अंदर सेक रही हूँ मूंगफली। और इसे अच्छी सीखती है नमक के अंदर सेकने से, उसके अंदर जो गोटा है वो एकदम अच्छे से सीख जाता है। और रेत के अंदर भी सेक सकते हैं, रेत के अंदर सेकने से भी बहुत अच्छी सीखती है। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और हवा चल रही है तो धुआं मेरी तरफ ही आ रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। यहाँ पे धुआं नहीं आ रहा है, धुआं उस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर बैठकर मैं अच्छे से मूंगफली सेक रही हूँ। और वंदना मेरे पास बैठ गई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मूंगफली खाने के फायदे भी बताऊंगी। मूंगफली खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी से भरपूर होती है मूंगफली। मूंगफली खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। मूंगफली में सेहत का खजाना छिपा हुआ है, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जो दूध नहीं पी सकते वो मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली में ओमेगा 6 भरपूर होता है जो हमारी त्वचा को कोमल और मुलायम बनाए रखता है। मूंगफली में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक पाया जाता है और ये विटामिन ई और विटामिन B6 से भी भरपूर होता है। और मूंगफली खाने वालों को खून की कमी भी नहीं होती है। और मूंगफली में कैल्शियम और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। वैसे हम मूंगफली कई प्रकार से खा सकते हैं। मूंगफली को सेक कर उसको सीधे ही खा सकते हैं, उसका भी कुछ अलग ही टेस्ट है। और मूंगफली को हम गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं और मूंगफली को भिगोकर भी खा सकते हैं। रात को भिगोकर छोड़ दें और सुबह उसको खा लें, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं मूंगफली खाने के, तो मूंगफली सर्दियों में ज़रूर खाएं। और हम तो हमेशा ही मूंगफली खाते हैं सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दियों में ही खाना चाहिए। सर्दियों में हमेशा से ही हमें मूंगफली खाने की आदत है, क्योंकि हमारे पीहर में कुएं पर हमेशा ही मूंगफली होती है, तो हम सर्दियों में मूंगफली सेक कर दूध के साथ खाते थे। तो ये देखिए ये नमक है कढ़ाई के अंदर, और इस नमक के अंदर मैं मूंगफली सेक रही हूँ। बहुत ही अच्छी सीखेगी, आप भी देखिए। और ये देखिए हमारी मूंगफली जो है सिक गई है, बहुत ही अच्छा कलर इनका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अंदर से एकदम अच्छे से सिक गई है गोटा जो है इनका। तो आप देखिए मैं कैसे इनको निकालती हूँ। दोस्तों मूंगफली अभी सीख गई है हमारी, तो ये मैंने इसीलिए लिया था, इसे निकालना बहुत आसान होगा मूंगफली को, तो ये मैं निकाल रही हूँ।
तो अभी हमने इसमें से पूरी निकाल ली है और इसके अंदर ये और डाल देंगे। और ये हमारी शिकी हुई मूंग, ये देखिए ये अंदर से एकदम अच्छे से सिक गए हैं, गर्म है अभी, बहुत गर्म। दोस्तों मूंगफली सिक गई अच्छे से और हमने खानी भी स्टार्ट कर दी है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है अच्छे से सिकी हुई मूंगफली। अभी मूंगफली सेक भी रहे हैं और साथ में खा भी रही हैं। और वंदना मेरे पास ये घर पे और कल्पना दादी माँ के साथ गई हुई हैं कथा सुनने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।